रफ तरीके से करना क्या है जब हम बहुत सारी कैटेगरी सर्च करते हैं तो उसके अंदर एक रफ कैटेगरी आता है जो बहुत बार हमें एक्साइट करता है और हम वो वीडियोस बहुत ज्यादा डिटेल में देखते हैं बट दैट साउंड पार्टनर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो क्या होता है ये वट इज रफ एंड इट एंड इट्स डू इट और नॉट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें चलिए डिटेल में बात करते हैं जब हम किसी को जबरन और बिना उसके कंसेंट या फोरप्ले के बिना अगर हम बहुत क्विकली करना चाहते हैं और बहुत फास्ट तरीके से करते हैं तो हम उसको रफ़ सेक्स की कैटेगरी में डालते हैं ये उस तरीके से है जहाँ आपके पार्टनर को उसे प्रोसेस करने का या से होने का मौका ही नहीं मिलता मोर ओवर जब हम रफ़ की बात करते हैं तो इसके अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती या एब्यूज़ को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है कई मेल्स के लिए या कई पार्टनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है कई लोगों की वो फैंटसी होती है और कई लोग एक्चुअली अनप्लान तरीके से करना उसे ज्यादा एक्साइटिंग मानते हैं और उनके लिए ये पर्टिकुलर तरीके से करना ही उन्हें औगैसम तक पहुंचा पाता है जब हम फैंटेसीज की बात करते हैं तो फैंटेसीज आपके नॉर्मल तरीके से कुछ स्पाइसअप कुछ बेटर होता है और वो ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगता तो बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो कि कंसेंशल बेसिस पर अपनी वाइफ को इसे प्रैक्टिस करने को बोलते हैं बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो यही तरीके से करके प्लेजर होते हैं और कुछ लोग हैं जो कर तो नहीं सकते लेकिन वीडियोज़ देख इस तरीके से अपने आप को प्लेजर करते हैं रफ़ तरीके से करना इज़ एक्चुअली कंसेंशुअल जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों रेडी होने चाहिए अगर आप बिना किसी के रेडी हुए इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो वो हार्म है गलत है और मॉरली भी दैट इज़ नॉट राइट बिकॉज सेक्स इज़ समथिंग विच इज़ पर्सनल विच इज़ फुल ऑफ फीलिंग्स लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से कंसिडर नहीं कर रहे हैं और अपनी फैंटेसी के लिए किसी को हट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहेंगे